वादा है, अब नो वादा नहीं है, अब वादा है। कॉन्फ्रेंस कोई प्रॉमिस नहीं है, या मतलब बीजेपी कोई प्रॉमिस नहीं है, कांग्रेस वगैरह कोई भी नहीं है, आम आदमी पार्टी कोई भी नहीं है, अपनी पार्टी वो भी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी जो है मुकम्मल वो पीडीपी है। बातें जो शराब की दुकान है डलगेट पे खुले हैं, लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया, अब क्यों उनको पकड़ते हैं? लास्ट रैली है क्यों? अगर इनको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर भी हम डरने वाले नहीं है। आज फंक्शन बनाया क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, इसलिए आए जगह जगह से, यहाँ पे लोग गाँव से आए, श्रीनगर से आए, तमाम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि अब ये जो हमारी महबूबा साहिबा है ये भी कुछ कहना चाहेंगे, और खास कर लेडीजों को कुछ पता नहीं हम कहाँ इस टाइम, लेकिन हमारी आज इतनी खुशी हुई कहने की बात नहीं, मैं अंदाजा नहीं करूँगी। और मैं इतना कहूंगी कि हमें पता लगना चाहिए कि हम कहाँ हैं आजकल, हमारे लड़के कहाँ हैं आजकल, पढ़े लिखे हैं कहाँ हैं आजकल। मेहरबानी करके अगर अल्लाह ने चाहा बस के आज का ये जो जलसा किया ये काफी है, बस इसके बावजूद से हम आगे हैं। बीजेपी को मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि उसे धोखा दिया, क्योंकि मैं आ रही हूँ, मैंने जो नो वादा बनाया आज मैं फिर से बोल रही हूँ, अब वादा है, अब नो वादा नहीं है, अब वादा है। क्यों? बीजेपी जो हमें लारे लगाए वो करेंगे ये करेंगे तो वो सब खत्म है। अब हम प्लीज प्लीज मेहरबानी करके हम अपने लड़कियों को बचाना चाहते हैं, आप जो भी लड़के पढ़े लिखे हैं। हाँ एक बात है, जो शराब की दुकान है डलगेट पे खुले हैं, लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया, अब क्यों उनको पकड़ते हैं? सारा बहस उन्होंने कश्मीर खत्म किया। और मेहरबानी करके हम ये कहना चाहते हैं, हमें जो लड़के बचे हैं आजकल वो हम बचाना चाहते हैं। और आखिर क्या जो बीजेपी ने लारे लगाए क्या हम वो देंगे? मत फिर लगाए उन्होंने गाज चरा की बात, जहाँ तक कि पांच पांच छह छह मर रहे हैं वो सही नहीं है, जिसके पास आदम मर रहे हैं पांच छह मर रहे हैं वो सही है, कहाँ तक सही है? ये तो सब झूठ है। अब उन्होंने वो देख रहे हैं रात को सपने, सुबह लगा रहे थे कश्मीर को अनाउंसमेंट, चलो कश्मीर को ऐसे करो वैसे करो। अब इनको आज होश आना चाहिए, पब्लिक को हम कहाँ पहुंचे, बस यही मकसद हमारा है आज, क्यों ये लास्ट जुलूस है, लास्ट रैली है क्यों? अगर इनको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर भी हम डरने वाले नहीं है। जहाँ हमारी महबूबा साहिबा हम उनके साथ साथ है, जहाँ पीडीपी साथ है हम उसके पीछे साथ साथ है। जो एनसी वालों के साथ है वो बिल्कुल धोखा है, जो पीडीपी के साथ है वो हमें पता है लास्ट में यही जीत है, लास्ट में यही लोगों को बचाएंगे, लास्ट में यही 370 रही वो महबूबा साहिबा वो भी बोलते वो बहाल करो, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ी है। जब से ये लगा 370 टूटा तब से सारे हमारी लड़की खराब हुई, सारा स्टेट खराब हुई। मेहरबानी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई प्रॉमिस नहीं है, या मतलब बीजेपी कोई प्रॉमिस नहीं है, कांग्रेस वगैरह कोई भी नहीं है, आम आदमी पार्टी कोई भी नहीं है, अपनी पार्टी वो भी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी जो है मुकम्मल वो पीडीपी है। आपके साथ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी बहुत लारे लगाए, वहाँ भी धोखा है। ये पीडीपी जो ये शुरू से भी काम है अभी आगे भी रहेंगे। आपको क्या लग रहा है? जल्दी कामयाब इंशाल्लाह। और थैंक यू।